एक वीवर का क्वेश्चन है कि नोन टू, नोन बाई और नोन ऑफ में क्या फर्क है, यानी कैसे समझे कि कब हमें बोलना है नोन टू, कब हमें बोलना है नोन बाई और कब हमें बोलना है नोन ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। नोन टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो किसी इंसान को कोई चीज पता है या किसी इंसान को किसी चीज के बारे में जानकारी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह गाना सबको पता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस सॉन्ग इज नोन टू ऑल, यानी यह गाना सबको पता है। अगर आपको कहना हो यह ट्रिक सबको पता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस ट्रिक इज नोन टू ऑल, यानी यह ट्रिक सबको पता है। अगर आपको कहना हो कि सलमान को सब जानते हैं, यानी सलमान के बारे में सबको पता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सलमान इज नोन टू ऑल, यानी सलमान के बारे में सब जानते हैं, यह सलमान के बारे में सबको पता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि नोन टू का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें कहना हो किसी चीज के बारे में किसी को पता है या जानकारी है। अगर हम बात नोन बाय की करें तो नोन बाय का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो से जाना जाता है, यानी कोई इंसान किसी चीज के लिए जाना जाता है। अगर आपको कहना हो वो अपने टीचिंग से पहचाना जाता है या वो अपने टीचिंग से जाना जाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नोन बाय हिज टीचिंग, यानी वो अपने पढ़ाई से जाना जाता है या वो अपने टीचिंग से पहचाना जाता है। अगर आपको कहना हो एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ फूलिश इज नोन बाय हिज स्पीच, यानी एक बेवकूफ को उसके बातों से जाना जाता है। अगर आपको कहना हो उसे उसकी होशियारी से जाना जाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नोन बाय हिज विजडम, यानी उसे उसकी होशियारी से जाना जाता है। अगर आपको कहना हो मुझे मेरे अच्छे कामों से जाना जाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नोन बाई माई गुड वर्क्स, यानी मुझे मेरे अच्छे कामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा कि नोन बाई का मतलब होता है से किसी इंसान को जानना या से किसी इंसान को पहचानना। अगर हम बात नोन ऑफ की करें तो नोन ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको कहना हो किसी के बारे में जानना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कबीर दास के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेरी लिटल इज नोन ऑफ कबीर दास चाइल्डहुड, यानी कबीर दास के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या ज्यादा जानकारी नहीं पाया जाता है। अगर आपको कहना हो उन चीजों के बारे में बहुत कम जानकारी है या बहुत कम बात पता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेरी लिटल इज नोन ऑफ दोज थिंग्स, यानी उन चीजों के बारे में बहुत थोड़ी बातें पता है या थोड़ी जानकारी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों वर्ड्स को लेकर अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।